हेलो फ्रेंड्स, गौरिस्का होम में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 2 मीटर कपड़ा दे लिया है और उसके साथ मैंने ये अस्तर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन है। इसमें हल्की सी बूटी बनी हुई है, छोटी छोटी। तो इसकी जो बूटी है उसकी लंबाई में बूटी बनी हुई है। देखिए, इसमें से मैं 4 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी मैंने ये पट्टी काट ली है और उसी के नाप का मैंने अस्तर भी ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पट्टी कट चुकी है और इसके बाद मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड कर इसके 2 पीस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें डिजाइन दिया हुआ है लंबी लंबी। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, बीच में से मैंने कट कर लिया है, पर अब मैं इसको साइड से जोड़ दूंगी। इन दोनों पीसों को साइड से सीधे पे सीधा रख कर इस पे सिलाई लगा दूंगी। तो ये हमको एक साइड से ही जोड़ना है, एक साइड हमको ओपन रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ इसकी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर दिया है और अब एक साइड से हमको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करके फिर हमको 1 इंच इस देखिए इस तरीके से नीचे हमको पूरे लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी साइड मैंने ये नीचे अस्तर लगाकर एक लंबी सिलाई डाल दी है। तो जो हमारी लूज वाली सिलाई होती है वो डाली है फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ मैंने उल्टी साइड धागे को खींचकर इसमें गैदर बना लिए हैं। तो गैदर हमको इतने लंबे डालने हैं जो हमने लंबी जो पट्टी काटी थी उसके हिसाब से ही हमको गैदर डालने हैं। अब ये देखिए, मैंने गैदर डाल चुके हैं। अब मैंने जो पट्टी काटी थी उसको इस तरीके से रखते हुए हमको सिलाई लगा देनी है। तो हमको एक सिरे से सिलाई स्टार्ट करनी है, दूसरे सिरे तक ले जानी है फ्रेंड्स। उसके बाद हमको इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से अब इसमें हम साइड से भी सिलाई लगा देंगे। हम इसमें बेल्ट में भी साइड से सिलाई लगा देंगे और इसको फोल्ड करते हुए पूरा घेरा सिलाई लगाकर इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर एक गैदर स्कर्ट तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और वहीं पे दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसे दबाना भी ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।